नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है दोस्तों, तो कृपया देखना न भूलें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों क्यू आर कोड बार में अधिकतम कितने डिजिट होते हैं दोस्तों? क्यू आर कोड में दोस्तों अधिकतम कितने डिजिट होते हैं दोस्तों? 7089 डिजिट होते हैं दोस्तों। आईएमआई नंबर कितने डिजिट का होता है दोस्तों? आईएमआई नंबर कितने डिजिट का होता है दोस्तों? है तो 15 डिजिट का होता है दोस्तों। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है दोस्तों? इंस्टाग्राम का दोस्तों फाउंडर दोस्तों कौन है दोस्तों? केविन सिस्ट्रोम है दोस्तों। कौन है दोस्तों? केविन सिस्ट्रोम है दोस्तों। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इंस्टाग्राम की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 2010 में हुई थी दोस्तों। ट्विटर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों ट्विटर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ट्विटर है दोस्तों। क्या दोस्तों? ट्विटर है दोस्तों। यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध है दोस्तों? यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध है दोस्तों? तो 12 भाषाओं में उपलब्ध है दोस्तों। यूएसएसडी को हिंदी के लिए कौन सा कोड डायल करेंगे दोस्तों? अगर दोस्तों यूएसएसडी को अगर हिंदी में चाहिए दोस्तों तो कौन सा कोड डायल करेंगे दोस्तों? तो *99*22# डायल करेंगे दोस्तों। क्यूकर में किस मॉडल का प्रकार है दोस्तों? क्यूकर किस मॉडल का प्रकार है दोस्तों? तो C2C का मॉडल है दोस्तों। ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई दोस्तों? ई टिकटिंग प्रणाली दोस्तों कब शुरू हुई दोस्तों? तो 12 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी दोस्तों। वेब ब्राउज़र में नई वेब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? वेब ब्राउज़र में दोस्तों नई वेब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+T है दोस्तों। कौन सा MI का एक लाभ है दोस्तों? MI का दोस्तों रियल टाइमिंग एक लाभ है दोस्तों। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कॉलम को सिलेक्ट करने की दोस्तों शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Ctrl+Space है दोस्तों। फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास कितने यूनिट में मापा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास दोस्तों किस यूनिट में मापा जाता है दोस्तों? तो मैक्रास में मापा जाता है दोस्तों। POS की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? POS की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों? तो POS की फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल है दोस्तों। निफ्ट सेवा किस वर्ष आरंभ की गई थी दोस्तों? निफ्ट सेवा दोस्तों किस वर्ष आरंभ की गई थी दोस्तों? तो 2005 में आरंभ की गई थी दोस्तों। ट्रेड माइक्रो दोस्तों क्या है दोस्तों? एक एंटी सॉफ्टवेयर है दोस्तों। URI की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? दोस्तों URI की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है दोस्तों। URI की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है दोस्तों। QR की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों? क्विक रिस्पॉन्स है दोस्तों। IETF की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? IETF की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है दोस्तों। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? UPI को दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? तो या दोस्तों NPCI द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? NPCI द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। दोस्तों MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है दोस्तों? MS वर्ड में दोस्तों अधिकतम जूम कितना होता है दोस्तों? तो 600% होता है दोस्तों। F8 की को दो बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है दोस्तों? F8 की को दोस्तों दो बार दबाने से वर्ड सिलेक्ट होता है दोस्तों। कौन सा इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दोस्तों? TCP या IP है दोस्तों। पहली IoT मशीन
का नाम क्या है दोस्तों? तो पहली आईओटी मशीन का नाम क्या दोस्तों है? तो एटीएम मशीन है दोस्तों। एमएमआईडी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एमएमआईडी की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है दोस्तों? मोबाइल मनी आइडेंटिटी